हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगले रॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में आपको हमने इग्नियस रॉक के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बता दिया है। अब आइए तीसरा देखते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, इसको आप समझें। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडरगो चेंज अंडर द इंटेंस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के अंदर जो है हीट और प्रेशर के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है चेंज हो जाते हैं और यह मेटामॉर्फिक रॉक तैयार करते हैं। तो अर्थ सरफेस के अंदर हीट और प्रेशर के चेंज होने के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक तैयार किया जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर गो चेंज अंडर द इंटेंस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर इंसेंट हीट और प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। सम डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आर, यहाँ पे कुछ मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताया गया है जो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है आपका स्लेट, ये फिगर आप देख रहे हैं, स्लेट जिस पर लिखा जाता है चौक से। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सेल। इट इज़ यूजली डार्क इन कलर एंड यूज फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो इसका यूज जो है ब्लैक बोर्ड में किया जाता है स्लेट का। यह डार्क कलर में होता है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सेल। इट इज़ यूजली डार्क इन कलर एंड यूज फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड बनाने में स्लेट का यूज किया जाता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, अगला है आपका मार्बल। मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। मार्बल जैसे फिगर में आप देख रहे हैं लगा हुआ है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइम स्टोन। मार्बल जो है लाइम स्टोन से बनता है, तैयार होता है। इट्स कलर एंड टेक्सचर डिपेंड ऑन द लाइम स्टोन। इसका कलर और टेक्सचर लाइम स्टोन पर डिपेंड करता है। फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म, जिससे यह बना है। ठीक है, तो जिस लाइम स्टोन से बना है यह, उसी पर इसका टेक्सचर और कलर डिपेंड करता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर एंड बिल्डिंग्स। इसका यूज जो है फ्लोर तैयार करने में और बिल्डिंग तैयार में किया जाता है। तो मार्बल में आप देख रहे हैं, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइम स्टोन। मार्बल जो है लाइम स्टोन से तैयार होता है। इट्स कलर एंड टेक्सचर डिपेंड ऑन द लाइम स्टोन फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। इसका कलर और टेक्सचर उस लाइम स्टोन पर डिपेंड करता है जिससे यह बना हुआ है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर एंड बिल्डिंग्स। इसका यूज फ्लोर और बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट ये भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। क्वार्टजाइट इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सैंड स्टोन। क्वार्टजाइट जो है वह सैंड स्टोन से बनता है। दैट इज रिच इन क्वार्टज। इसमें क्वार्टज की मात्रा अधिक होती है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सैंड स्टोन दैट इज रिच इन क्वार्टज। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचू ग्लास, ठीक है, जेम स्टोन एंड इन वॉचेज। क्वार्टजाइट का यूज जो है आप देख रहे हैं स्टैचू बनाने में, ग्लास बनाने में, जेम स्टोन और वॉचेज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्नेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्नेस। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। यह जो आपका ग्नेस है यह ग्रेफाइट से बना होता है, ग्रेनाइट से। फिगर आप देख सकते हैं, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। इन दिस मिनरल ग्रेन्स आर अरेंज्ड इन लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स। ठीक है, इसमें जो है लाइट और डार्क कलर बैंड में ग्रेन्स जो हैं अरेंज्ड होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डार्क लाइट, हल्का गाढ़ा, इस लेयर में यह आपका ग्नेस है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम
ग्रेनाइट या ग्रेनाइट से बनता है। इन दिस मिनरल ग्रेन आर अरेंज्ड इन लाइट एंड डार्क कलर बैंड। इसमें मिनरल और ग्रेन जो है लाइट और डार्क कलर बैंड में अरेंज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो थ्री टाइप्स के रॉक्स होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ लिए। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल मार्बल, क्वार्टजाइट, जेनेश और आपने पढ़ा स्लेट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग मिनरल्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू।